Good morning, student of 6th class. Now we are going to discuss about the large number in practice. Okay. In page number 12, there have some things else. At the first, conversion. Okay. It is should be remember of you. 10 millimeters equal to how many centimeters? 1 centimeters. It is note. Okay? At your copies. From here, 1.3 large number heading after right, 1 number, 2 number. ऐसे नोट करना है आपको किसको? कन्वर्सन को. ठीक है? 10 millimeters equal to 1 centimeter. 1 meter equal to 100 centimeter equal to 1000 millimeter. Okay? ये सारे आपको नोट करना है. ये सिंगल सिंगल लाइन, जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये. ओके, इसके साथ. और नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट पेज में कुछ सी नंबर में भी आपको नोट करना है, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, एंड देन ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सब आपको पढ़ना ही है, मतलब समझने के लिए पढ़ना है कैसे आया 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, कैसे आया, ये सब आपको समझने के लिए पढ़ना है. ओके, बाकी ये पढ़ लेना नीचे क्या है इसके लिखा हुआ है, ये भी आपको देखना है. 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, ये भी नोट करना है. प्लस 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ये भी नोट करना है. बाकी जो डिस्क्रिप्शन है ये पढ़ना है आपको. ओके, आफ्टर दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये भी आपको नोट करना है. ओके, इसके नीचे 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ये भी नोट करना है कॉपी में. ओके, एट फर्स्ट ये कॉपी में नोट करना है. कॉपी में नोट करने के बाद में देखो, इधर एक ट्राई दिस पोर्शन में एक क्वेश्चन है. ए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेस विथ ए स्पीड ऑफ 60 किमी पर आवर्स. द जर्नी इज शोन ऑन द पेज 14. ओके, पेज नंबर 14 में एक डायग्राम है जिसमें एक बस का जर्नी कहाँ से कहाँ तक किया, ऐसे एक डायग्राम है. जो डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है. ये डायग्राम पहले कहाँ था बस, देखो ये पोजीशन, ए पोजीशन के बाद में ये इधर से स्टार्ट किया, बी पोजीशन में आया, वापस सी, डी, आफ्टर ई पोजीशन, ए पोजीशन, डी पोजीशन, ए पोजीशन, आफ्टर जी पोजीशन, जी के बाद में वापस ए. इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है. देखो इसका बीच में जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है. तो इसके पास में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर है 5th क्वेश्चन. बट इधर से स्टार्ट है 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. देखो इधर है, ऊपर क्या है, बस का स्पीड क्या है, 60 किमी पर आवर, मतलब एक घंटा में ये बस 60 किलोमीटर जा सकता है. ठीक है ना, ये आपको देखना है क्या क्वेश्चन का क्या फाइंड करना ही आपको समझना है. इधर से फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी. तो आपको वो कवर देखना है, ए टू डी तक ये बस कितना कवर किया. वो जो डायग्राम दिखाया था वो वाला देख के आपको समझना है, उस डायग्राम की बेसिस आपको आंसर देना है. ओके, सेकेंड नंबर फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब डी टू जी कितना डिस्टेंस है, ये आपको जोड़ के करना है. ये तो आप कर ही सकते हो. आफ्टर है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए. ओके, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए से स्टार्ट करके अगर ए में ही वापस आता है तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका. ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया. आफ्टर यू कैन फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड ई टू डी टू ई. डिफरेंस मतलब माइनस करना है, सी टू डी कितना डिफरेंस है, डी टू ई कितना डिफरेंस है. ओके, इसको माइनस करना है. आफ्टर और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन में, ये जो डायग्राम है, डायग्राम के बेसिस आपको डायग्राम अच्छा से देखना है, देखने के बाद ये आंसर करना है. ठीक है ना, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच, मतलब ऐसे
कितना टाइम, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच, ओके टाइम फाइंड करना है, टोटल जर्नी ए टू बी, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन को राइट करना है। आफ्टर देखो टू नंबर क्वेश्चन में, टू नंबर क्वेश्चन में थिंग्स की, मतलब ये जो थिंग्स की नेम दिया हुआ है, ये थिंग्स की नेम के साथ साथ में देखो एप्पल की पर केजी का कॉस्ट दिया हुआ है, एप्पल देखो पर केजी का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो एप्पल है पर केजी का कॉस्ट दिया हुआ है, एंड इस सभी फ्रूट्स का, सभी थिंग्स का पर केजी का कॉस्ट दिया हुआ है, वन पीस का कॉस्ट दिया हुआ है। देन ये जो बॉक्स, सेकेंड बॉक्स है, इसमें क्या है, द सेल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, इतना केजी सेल हुआ, इतने पीसेस सेल हुआ, ओके इतना केजी सेल हुआ, ऐसे दिया हुआ है। तो आपके ये दो बॉक्स की बेसिस आपको आंसर करना है, ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही कर, खुद को ही करना है। देखो पढ़ के आप समझ जाओगे, हाँ तो पढ़ के समझ के, जैसे फर्स्ट क्या है ये नंबर क्वेश्चन में, वेट ऑफ एप्पल, तो वेट ऑफ एप्पल कहाँ से लिख सकते हो, इधर देखो वेट ऑफ एप्पल लिखा हुआ है, कितना वेट है एप्पल का, कितना वेट है ऑरेंज का, देखो इधर फील करोगे आफ्टर, इधर से टोटल क्वेश्चन देखो इधर से आप मिल, आपको मिल जाएगा, तो इधर से टोटल करना है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको कॉपी में करना है एज होमवर्क। आफ्टर दैट गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15, इन दिस पेज देयर हैव एग्जाम्पल है कुछ, इसमें क्या है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वन, ये जो एग्जाम्पल दिख रहे हो ये एग्जाम्पल, ये वन को एग्जाम्पल है जो इधर सॉल्यूशन किया हुआ है, देखा ये सॉल्यूशन किया हुआ है एग्जाम्पल का, सेकेंड देखो इसका टोटल करेक्ट आंसर, आफ्टर एग्जाम्पल टू किया हुआ है इधर, हाँ ये सब पढ़ के आपको ये समझ के करना है, तो आप एक्सरसाइज खुद ही कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है एक्सरसाइज में भी, ठीक है ना। तो देखो आफ्टर दैट ये इसका आंसर किया हुआ है, देखो इसका आंसर ही है ये, ठीक है ना, ऐसे सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन किया हुआ है ये भी आपको देखना है, समझ के करना है बिल्कुल। ये जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसको भी सेम टू सेम आपको करना है, पढ़ के करना है बिल्कुल समझ के, ठीक है ना। देखो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन में थोड़ा मैं बता देता हूँ, इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ द सीट्स ऑफ ए पेपर अवेलेबल फॉर मार्किंग नोटबुक इन इज 75,000 एंड ईच सीट्स मेक्स 8 पेज, ओके ऑफ द नोटबुक, ईच नोटबुक कंटेन 200 पेज, हाउ मेनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, ये जो पेपर है देखो ये अवेलेबल पेपर मेकिंग नोटबुक है इज 75,000 नंबर ऑफ सीट्स, 75,000 टोटल पेपर अवेलेबल पेपर है, ईच सीट एक एक सीट से कितना पेजेस, 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, 8 पेज बनता है एक नोटबुक का, ठीक है ना, ईच नोटबुक कंटेन 200 पेज, एक सीट से आपको कितना मिलता है 8 पेज, ओके तो इतना सीट से कितना मिलेगा, इतना सीट से आपको कितना मिलेगा, 75,000 इंटू 8 इतना 6 लैक्स मिलेगा टोटल पेजेस, तो एक एक कॉपी में कितना पेजेस होगा 200, तो डिवाइड कर दिया 200 से, देखो 3000, मतलब 3000 आप नोटबुक बना सकते हो, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 16, ये है क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड्स प्रॉब्लम, ये पढ़ के पहले आपको समझना है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या करना है, कैसे हम सल्यूशन निकालेंगे इसका, ये सारे चीजें आपको समझना है क्वेश्चन पढ़ के, ओके। आफ्टर दैट देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो, ये बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days, ओके इन ए स्कूल, द नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल डेज वॉज रेस्पेक्टिवली 1049,
1812, 2050 and 2751. Find the total number of the tickets sold on all the 4 days. Okay? So, कैसे find करोगे all the 4 days में कितना tickets sold हुआ था? पहले दिन इतना टिकट सोल्ड, आफ्टर दे ये टिकट सोल्ड हुआ था, आफ्टर दे इस टिकट सोल्ड हुआ था थर्ड डे एंड फाइनल लास्ट डे में इतना टिकट सोल्ड हुआ था. ओके, बुक्स एग्जीबिशन में तो टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना सोल्ड हुआ था 4 दिन में. तो आपको कैसे फाइंड करना है, देखो टोटल जब बोल दिया हमको कुछ सोचने का जरूरत नहीं, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर, देखो टोटल बोल दिया मतलब क्या है, एडिशन करना है 4, टोटल कितना है तो एडिशन करो. एट फर्स्ट 1094, ऐसे पहले नाउ लिख दो, नाउ कोमा ये स्टार्ट करो 1094, आफ्टर सेकेंड डेज में 1812, आफ्टर थर्ड डेज में 2050, आफ्टर फोर्थ डेज में 2751. तो अभी क्या करना है, प्लस करना है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना सोल्ड हुआ था ये फाइंड करना है. तो आंसर करो अभी, देखो ऐड करके क्या होता है, 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, आफ्टर 9 + 1 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20, 20 का जीरो, कैरी क्या होता है 2, 8 + 7 = 15, 15 + carry 2 = 17, 17 + 7 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + carry 1 = 7. Understand students, this is the answer, 4 days में कितना टिकट सोल्ड हुआ था. तो आपको आंसर कैसे लिखना है, ये तो आंसर आ गया लेकिन आंसर कंक्लूशन कैसे लिखना है, इसके बिल्कुल नीचे लिखना, मैं इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दिया. देखो कैसे लिखना है, 10, फाइंड द टोटल, तो लिखना है द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, कितना 7707. ओके, दिस इज द आंसर. तो हाउ टू डू द आंसर, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. आफ्टर देखो वन नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन किया, ओके, आफ्टर दैट टू नंबर क्वेश्चन, 3, 4, 5 अप टू 12 तक, 12 तक आपको खुद को करना है एज होमवर्क. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली इफ यू रीड इट अगेन एंड अगेन. जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पढ़ के, या आपको बार बार पढ़ना है उसी जगह पर, तो सारे क्वेश्चन कैसे करना है अटेम्प्ट, ये आपको समझ में आ जाएगा. समझ में आ गया तो उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आएगा तो उसी क्वेश्चन के लिए ऐसे क्वेश्चन राइटिंग कर राइट करके स्पेस छोड़ दो. ओके, ये मैं बाद में देख लूंगा. तो ऐसे करके टोटल 12 तक 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करना है एज होमवर्क स्टूडेंट्स. अंडरस्टैंड्स? ओके, थैंक यू.